हेलो फ्रेंड्स, आज हम नींबू का अचार बनाने वाले हैं और ये नींबू का अचार मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, कभी नहीं ख़राब होगा, 4 से 5 साल भी खाएंगे। और इसको हम बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स से, जो हमारे घर पर अवेलेबल रहते हैं, उतने ही आइटम से इसको बनाकर तैयार करेंगे और बिना गैस जलाए। तो हमने यहाँ पर लगभग 20 नींबू ले लिया है, ये पतले छिलके वाले नींबू लेना है अचार बनाने के लिए। और हमें अचार को बनाने से पहले ही, हमने 2 से 3 घंटे पहले ही इसको अच्छे से धोल कर रख लिया था, सुखा लिया है। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। पतले छिलके वाला नींबू लेने से अच्छा अचार बनता है, तो हमने इसको कट कर लिया है 4-4 पीसेस में, कि हम जितने भी बीज हैं सारे बीज हम इसको निकाल देते हैं। बीज निकालने से होता यह है कि जो नींबू का अचार बनाते हैं उसमें कड़वापन नहीं आता है। तो सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि मैं वीडियो में आगे भी बताने वाली हूँ, कि आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार होगा, कभी नहीं ख़राब होगा और बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो हमने सारे नींबू के बीज निकाल दिए हैं और 4-4 पीस में इसको कट कर लिया इस तरीके से। तो चलिए दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। हमने काली मिर्च पाउडर तैयार करने के लिए, काली मिर्च को तवे में हल्का रोस्ट कर लिया है, हल्का सा इसको गर्म करके इसका पाउडर बनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है, काली मिर्च पाउडर। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो हमने इस नींबू में 1/2 कटोरी करीब सेंधा नमक मिला दिया है, आपके पास चाहे तो नॉर्मल नमक हो तो वो मिला सकते हैं, और 1/2 कटोरी काला नमक मिला दिया है। काला नमक तो इसमें ज़रूर मिलाए फ्रेंड्स, क्योंकि काला नमक मिलाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा पाचक भी होता है काला नमक। 2 टेबल स्पून इसमें अजवाइन मिला दिया। अजवाइन मिलाने से, जो कहते हैं ना कि नींबू की तहसीर ठंडी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर मिला लेंगे, काली मिर्च भी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट देगा। तो हम ये सारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें मिला लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून हींग मिला दिया है, कच्ची हींग ही रहनी है नॉर्मल, और 2 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला देते हैं, ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। आप चाहे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। 1/2 चम्मच करीब मैंने तीखी लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है, और इसे मिलाने के लिए आपके हाथ बिल्कुल सूखे होने चाहिए, गीले ना हो, क्योंकि गीले होने से हमारा अचार यही होगा कि ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको स्टोर करने के लिए आप कांच का ही कंटेनर लें। कांच के कंटेनर में होता यह है कि हमारा अचार 4 से 5 साल तक अच्छा बिल्कुल फ्रेश बना रहता है, ख़राब नहीं हो सकता। तो कांच का ही हम कंटेनर इसमें यूज़ करेंगे अचार रखने के लिए। और आपने देखा भी होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा ही करते आए हैं। ढक्कन बंद कर दिया है इस कंटेनर का, और इसको हमको 7 से 8 दिन हमको इसको धूप में रखना होगा। तो जब भी आपके घर में धूप आए, जहाँ भी, तो आप धूप में इसको रख दें और शाम होते ही इसको आप उठा लें। तो इस प्रोसेस को आपको 7 से 8 दिन ऐसे ही करना है, और जब भी आप धूप में रखें तो इसको अच्छे से हिला लें। धूप में रखने से होता यह है कि हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो 8 दिन बाद हम करते ये हैं कि यदि आपको मीठा अचार बनाना है, तो मीठा अचार बनाने के लिए आपको जितना नींबू लिया है, जैसे 1/2 केजी नींबू, तो 1/2 केजी हम चीनी लेंगे और चीनी पाउडर तैयार कर लेते हैं, और इसको देखते हैं 7 से 8 दिन बाद। तो आप देखेंगे कि जो हमारा अचार है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि आप इसमें नमक है, नमक की मैं कंजूसी ना करें, क्योंकि कम नमक होगा ना तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। तो आप इसे बाद में भी डाल सकते हैं नमक, यदि आपको नमक कम लग रहा है, तो टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, 7 से 8 दिन बाद देखेंगे तो आपका ये जो अचार है ना, यदि आपको खट्टा अचार बनाना है तो आपका ये परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है 7 से 8 दिन में। आप मीठा अचार बनाना चाहते हैं तो इसमें, जैसे आप 1/2 केजी नींबू ले रहे हैं, तो 1/2 केजी आप इसमें चीनी का बूरा मिला दें। चीनी बूरा मिलाने से होता ही है कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यदि आप सोचें कि साबुत खड़ी चीनी इसमें मिला देंगे तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, और यदि आप ऐसे पाउडर फॉर्म में चीनी मिलाते हैं ना, तो ये तुरंत खाने लायक भी बन जाता है। तो हमने बहुत ही अच्छे से चीनी का बूरा मिक्स कर दिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। रियली आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप इसका टेस्ट सही में खाने के बाद भूल नहीं सकते, और इसको हमेशा बना कर खाएंगे। तो जब भी आप इसको मिक्स करें तो हाथ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सूखे,
इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, 4 से 5 साल तक भी बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। और जितना ज़्यादा हमारा नींबू का अचार पुराना होता है ना, वो उतना ही अच्छा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहे हैं। तो जिस हमने कंटेनर में पहले स्टोर किया था उसी कांच के कंटेनर में इसको पैक कर दिया है और इसको 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। धूप निकलेगी तो धूप में रख दिया करेंगे और शाम होते ही हम इसको हटा लेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा रस से भरा हुआ हमारा अचार तैयार हो गया है। नींबू का अचार बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। आप चाहें तो यदि आपको इसमें लग रहा है कि नमक की कमी है या चीनी कम लग रही है तो आप इसको बाद में भी मिला सकते हैं। नींबू का अचार बनकर तैयार हो गया है। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जल्द मिलते हैं।